तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन की बिरयानी। तो दो किलो चिकन, 2 किलो चावल की बिरयानी बना रहे हैं। हमने नॉर्मल चावल लिया है। तो हमने प्याज काट के तल लेना है, जब तक ये क्रिस्पी ब्राउन नहीं हो जाता है। देखिए चिकन, 2 किलो चिकन है। 2 किलो चिकन में 2 चम्मच नमक डाल लेना है। सॉरी, नमक डाल के धो लेना है। देखिए चिकन साफ हो गया है। देखिए इसको और एक बार धोएंगे हम। देखिए हमारी प्याज यहाँ लाइट ब्राउन हो चुकी है। इसको कर देना है हाई फ्लेम पे और इसे अच्छे से मिला लेना है। तो हमने गोश्त को 2 बार धो के 4 किलो के भगोने में निकाल लिया है। देखिए चिकना निकाल दे रहे हैं गोश्त का। देखिए हम लोग गोश्त धो के निकाले। देखिए तो देखिए हमने प्याज को ब्राउन कर लिया है। देखिए क्रिस्पी ब्राउन कर लिया है हमने प्याज को। देखिए तो अब हम यहाँ 3 नींबू का रस डाल रहे हैं। तो अब हम नमक डाल रहे हैं, 3 टेबलस्पून नमक। अब हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी। तो अब हम मिर्ची डाल रहे हैं। तो अब हम अदरक लहसुन डाल लेना है। तो अब चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। देखिए अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। तो हमने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए और अच्छे से मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। मिलता हूँ आपसे 1 घंटे के बाद। तो हमने इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। अब यह अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं मिर्ची, पुदीना। तो इसमें डाला है मिर्ची, पुदीना, कोथमीर। अब हम डाल रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला। तो हमने इसमें साबित गरम मसाला भी डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, तो अब हम इसमें पिस्ते की प्याज और तला हुआ पुदीना अच्छे से क्रश कर लेना है। देखिए अच्छे से मिला लेना है। तो अब हम डाल रहे हैं 1/2 किलो दही। तो दही डाले बाद से इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। चावल के लिए या पानी उबलने के लिए रख दिया है। इसे हमने हाई फ्लेम पे कर लिया है।
अब हम इसमें कच्ची प्याज डाल रहे हैं। तो अब हम इसमें घी डाल रहे हैं। देखिए तो ये प्याज तले सो तेल, इसे ऊपर से डाल लेना है। तो हमने इसमें प्याज घी और तेल डाल के अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। तो हमने पानी उबलने के लिए रखा था, अब पानी उबल चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 किलो चावल। तो हमने इसमें कोथमीर डाल लिया है। देखिए अब इसमें डाल लेना है गरम मसाला। देखिए तो अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। देखिए तो हम इसे मिला रहे हैं। देखिए तो इसे मिलाए बाद से चावल पकने के लिए छोड़ देना है। देखिए यखनी अच्छे से मैरिनेट हो रही है। मिलता हूँ चावल पके बाद से। तो अब हम यखनी में एक लेयर चावल डालते ऊपर से। देखिए एक लेयर डाल लेना है चावल ऊपर से। तो हमने इस पे एक लेयर चावल डाल लिया है। अब इसे ढक देंगे। तो अब हम यखनी के ऊपर पूरे चावल डाल दे रहे। तो अब हम घी डाल रहे हैं। तो अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं। तो हमने इसे दम पे रख दिया है 15 मिनट्स के लिए। तो मिलता हूँ आपसे। तो देखिए हमारी बिरयानी बन गई है। देखिए तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।